बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रूडी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि कुछ दिनों बाद सहारनपुर के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई थी। अब वो मामला ही थोड़ा ही ठंडे बस्ते में नहीं गया है कि उससे पहले ही अब लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर स्थित संत वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी का जो मंदिर है वो भी कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मंगलवार को देर रात किसी असामाजिक तत्वों ने संत वाल्मीकि जी की वो मूर्ति वहां से खंडित कर दी, मूर्ति भी खंडित कर दी और वहां के उसके चार दीवारी जो की गई थी उसको भी खंडित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दलितों के जो महापुरुष है, बहुजनों के जो महापुरुष है उनके ऊपर लगातार अत्याचार होने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही मामला लोगों के सामने आया वाल्मीकि जी महाराज के मंदिर तोड़ने का, तो उसके बाद लोगों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। सुबह जैसे ही पूजा के लिए लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर टूटा हुआ है, तो लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि वो अपने हिसाब से इस मंदिर को वापस बनवाएगा। हालांकि आपको लोगों को बता दें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है कि किन लोगों ने, अज्ञात लोगों ने जो मूर्ति को है वो ढाया है, तोड़ा गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मंदिर विश्वविद्यालय की तरफ से अपने दम पर बनाया जाएगा। एपीबी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ से।